जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, यूनिट 7 इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है, वो हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले बेहतरीन 18 वीडियो जो हैं आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं, और लास्ट 2 वीडियो से हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। उसके पहले आपके जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, उसके अचीवमेंट, उसके बाद मिसाइल, सैटेलाइट और आपके बेसिक जो साइंस के प्रिंसिपल हैं, उनको हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, वीडियो जिस तरह से बनाई जा रही है कि आपकी मेंस और प्रीलिम्स दोनों की प्रिपरेशन एक साथ हो जाएगी। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना प्रीलिम्स के लिए ना मेंस के लिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जाकर उसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और पुराने भी वीडियो जाके जरूर देखिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि MPPSC ने जिस तरह से पैटर्न को चेंज किया है, तो ये वीडियो जो है उसी पैटर्न पर बनाए जा रहे हैं, और आपको MP के आपको जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनमें इससे बेहतरीन वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, या तो वीडियो को बहुत छोटा करके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जिससे आप लोग ये सोचें कि बस इन्वायरमेंट या साइंस और टेक्नोलॉजी तो बहुत छोटे वीडियो में कवर कर दी गई है, अब हम पढ़ के चले जाएंगे, हो जाए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, थ्योरिटिकल नॉलेज होना चाहिए, क्या फैक्ट पढ़ना है वो पता होना चाहिए। ऐसा तो पूरी बुक आप शंकर IAS पढ़ के चले जाइए, बट आप UPSC की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं ना, आप तो MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको उसमें भी क्या पढ़ना है उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो चलिए, ठीक है, अगर आपको विश्वास है हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को जाकर देखिए, उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप एक बार इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको फिर और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो आज हम आपको इकोटोन, नीच और बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर होता है, जिसके हमने लेवल्स जो पढ़े थे इसके पहले, तो हमने करीब 4 लेवल कंप्लीट करा दिए थे। अभी आज 2 लेवल है, वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें इकोटोन की। इकोटोन क्या होता है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जिस चीज़ को मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ या हाईलाइट कर देता हूँ, उस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, उस चीज़ को रटना होता है और समझना होता है। उसके अलावा चीज़ों को अगर आप छोड़ देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बात करें इकोटोन की। इकोटोन इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन द टू और मोर डाइवर्स इको सिस्टम, जैसे द मैंग्रोव फॉरेस्ट द रिप्रेजेंट एन इकोटोन बिटवीन मरीन एंड टेरिस्ट्रियल इको सिस्टम। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन आर ग्रास लैंड, एस्टुरियन, रिवर बैंक। ठीक है, देखिए स्लाइड जो होती है आपकी इंग्लिश में रहेगी, ठीक है, लेकिन इसको मैं आपको हिंदी में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोटोन का मतलब होता है जहां भी जो दो डाइवर्स इकोसिस्टम, ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम, ठीक है, कोई भी चीज वो इकोसिस्टम है अगर वो किसी चीज को रहने के लिए जो जरूरी चीजें प्रोवाइड करे, जिसका जैसे हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल लिया था पौंड का, किसका एग्जाम्पल लिया था आपने, पौंड या तालाब का। तो तालाब में जो मछलियां रह रही हैं, उनको एक तो एनवायरनमेंट आपका पानी मिल रहा है, उसके अंदर खाने की चीज़ें उसको मिल रही हैं, और उसके अलावा पानी से वो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, तो ये पूरा एक पौंड है जो इकोसिस्टम कहलाया जा सकता है। या नॉर्मली एक पेड़ ले लीजिए, एक ट्री, जिसमें आपके पेड़ पौधे या जिसमें आपके पक्षी बैठते हैं, पक्षी को उसमें खाने की चीज़ें मिलती हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, वो इकोसिस्टम हमें ऑक्सीजन दे रहा है, हमें खाने के लिए फूड दे रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो किसी इंसान को रहने के लिए एक जो यूनिट, फंक्शनल यूनिट प्रोवाइड करती है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोटोन क्या होता है, अगर दो डिफरेंट इकोसिस्टम मिल जाए, ठीक है, दो डिफरेंट इकोसिस्टम, मतलब एक तो हो गया आपका, सपोज दो एग्जांपल ले ले रहे हैं, ठीक है, एक इकोसिस्टम आपका है टेरेस्ट्रियल, मतलब जमीन, ठीक है, जहां आपके जानवर रह रहे हैं और इंसान रह रहे हैं, बहुत सारी चीजें रह रही। दूसरा इकोसिस्टम अगर हम ले लें, दूसरा इकोसिस्टम हो गया वाटर, दूसरा इकोसिस्टम क्या हो गया, वाटर, और एक ले लिया लैंड। ये दोनों इकोसिस्टम, ठीक है, लैंड में जो चीज़ें रह रही हैं, वो लैंड जिनके लिए इकोसिस्टम का काम कर रहा है, वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। वाटर जिसके लिए इकोसिस्टम का काम कर रहा है, वो मरीन या एक्वा आप कह सकते हैं इकोसिस्टम हो गया। ये दोनों चीज़ें जहाँ पे मिल रही हैं, ये दोनों चीज़ें जहाँ पे मिल रही हैं, जहाँ पे आधा जमीन होगी और थोड़ा सा पानी भी होगा, उसे ही हम इकोटोन कहेंगे। मतलब दो चीज़ें जहाँ भी मिलेंगी, दो डिफरेंट इकोसिस्टम जहाँ भी मिलेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, इकोटोन हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से समझा देते हैं आपको। सिंपल एक चीज समझिए, घास का मैदान, क्या, घास का मैदान, ठीक है, एक जगह है, कोई रेगिस्तान है और उसके साथ जुड़ा हुआ कोई एक घास का मैदान है, ठीक है, तो यहां के जो जानवर होंगे जो डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है, जो रेगिस्तान में रहते हैं, वो यहां भी पाए जाएंगे, ठीक है, और जो जानवर जो घास के मैदान में रहते हैं वो यहां भी पाए जाएंगे ना, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो
तो कुछ इसका एरिया यहाँ भी होता है, कुछ उसका एरिया यहाँ भी होता है। जैसे कि आप अपना साउथ इंडिया में चले जाए, नॉर्थ इंडिया में जो जंक्शन जोन होता है उसका, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बीच का जो एरिया होता है, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका आंध्रा हो गया, तो वहाँ आपको दोनों टाइप के लोग मिलते हैं। ठीक है, आपको नॉर्थ इंडियन भी मिल जाएंगे, आपको साउथ इंडियन भी। तो वही चीज़ है, वही वो जो एरिया होता है जहाँ पे दो इकोसिस्टम मिलते हैं उसको हम लोग इको टोन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल देखिए, ग्रास लैंड दिया है। ग्रास लैंड में एक तरफ तो आपका नॉर्मल लैंड है, जमीन है, और दूसरे घास वाला मैदान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें रह रही है वो यहाँ भी आसपास रहेंगी, और घास की जो चीजें रह रही है वो यहाँ तो रह रही है, उसके बाद यहाँ भी रहेंगी। ठीक है, एस्चुरी हो गई, रिवर बैंक, नदी का किनारा, नदी का किनारा, नदी का किनारा में आपका नदी, एक तो पानी मिल रहा है, ऊपर से लैंड जहाँ पे वो मिल रही है। ठीक है, तो दो डाइवर्स इकोसिस्टम जहां पे भी मिलते हैं, दो डाइवर्स इकोसिस्टम जहां भी मिलते हैं उसको हम लोग इकोटन कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एकदम इसकी रट डालिए। ठीक है, जैसे आपका मैंग्रोव, मैंग्रोव फॉरेस्ट का मतलब होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट जैसे आपकी दलदली जमीन जो होती है, क्या होती है, मार्स लैंड टाइप होती है, दलदली जमीन। ठीक है, जैसे कि आपका अगर आप देखें तो सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा मतलब क्या कि वहां पे आपका पानी भी मिल रहा है और जमीन भी मिल रही है। ठीक है, दलदली टाइप भूमि हो जाती है, दलदली टाइप भूमि में जमीन वाले जानवर भी रह सकते हैं और पानी वाले जानवर भी रह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन की, तो इकोटोन के करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये या तो नैरो भी हो सकता है या क्वाइट वाइड भी हो सकता है। नैरो मतलब छोटी जगह, कोई पौंड है, ठीक है, छोटा तालाब है, उसका जो किनारा जमीन के साथ लग रहा होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा ही एरिया होगा, तो वो नैरो हो गया। और आपका जैसे कोई नदी है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, गंगा रिवर है, वो जहां भी जमीन के साथ मिल रही होगी वहां पर जो डेल्टा बना रही होगी, जैसे आपका ब्रह्मपुत्र डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, तो वहां पे तो ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात, इट हैज कंडीशन इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम, हेंस इकोटोन इज ए जोन ऑफ टेंशन। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपका एडजेसेंट इकोसिस्टम के साथ जो बीच का इंटरमीडिएट बीच का, एक तो आपका ये वाला चीज मिल रही है, एक बार ये दो इकोसिस्टम मिल रहा है, तो इसके बीच वाला जो होता है, ठीक है, बीच वाला जो खींचा हुआ मतलब बीच वाला जो एरिया होता है उसी को हम लोग इकोटोन बोलते हैं। इट इज ए लीनियर एज इट शोज ए प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ वन इनकमिंग कम्युनिटी एंड साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन स्पीसीज ऑफ अदर आउट गोइंग एडजॉइनिंग कम्युनिटी। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे जैसे कि आपको समझाने की मैंने कोशिश की थी, ठीक है, कि यहाँ पे जो चीजें हैं, जो जानवर यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, तो वो जो जानवर इधर जाने पे घट जाएंगे, ये तो श्योर है कि इधर जाने पे क्या होंगे, वो घटेंगे। जो जानवर जैसे शेर रह रहा है आपका या हाथी रह रहा है, तो वो दलदली जमीन पे नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे घट जाएंगे। या इधर पानी के में जो आपके जैसे मछली रह रही, फिश रह रही है, ठीक है, या क्रोकोडाइल रह रहे हैं, तो वो जितना पानी के अंदर रहेंगे उतना यहाँ पे कोने पे नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि कुछ चीजें होती हैं जो यहाँ पे बढ़ जाती हैं। ठीक है, जैसे जो जानवर जो आपके जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, जैसे मेंढक हो गया आपका, ठीक है, और कुछ स्नेक्स होते हैं, तो कुछ चीजें स्पीसीज जो है यहाँ पे बढ़ जाएंगी लेकिन कुछ स्पीसीज घट भी जाएंगी, सिंपल ये बोल रहा है। अ वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेंस सब ऑर्गेनिज्म विच आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एडजॉइनिंग कंट्री। मतलब सेम, जैसे आपका अमेजोन का जंगल है, आप पढ़ते होंगे वहां पर एनाकोंडा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एनाकोंडा पाया जाता है, या डिफरेंट टाइप की बहुत सारी चींटियां भी पाई जाती है, बुलेट एंट पाई जाती है, डिफरेंट टाइप की चींटियां, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ जीव जो पाए जाते हैं वो आपका अमेजन जंगल पाए जाते हैं। तो वो एरिया जो आपका ये वाला इकोटोन वाला एरिया होता है वहां पे जो जानवर होते हैं यहां से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये जानवर सिर्फ जमीन में रह पा रहे हैं, ये जानवर सिर्फ पानी में रह पा रहे हैं, ऐसे जानवर जो जमीन और पानी दोनों में रह पा रहे हैं वो इसी जगह पर रहेंगे, तो डिफरेंट हुए ना। तो यही चीज बोल रहा है कि आपके इसमें जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो इंटायरली डिफरेंट होंगे, किससे, जो आपके एडजॉइनिंग कम्युनिटी है, मतलब ये कम्युनिटी जो यहाँ रह रही है और कम्युनिटी यहाँ रह रही है। शेर जो यहाँ रह रहा है वो शेर जाके यहाँ नहीं रहेगा, वैसे जानवर यहाँ रहेंगे जो दोनों जगह पर रह सकते हैं। समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द सम ऑफ द स्पीसीज इज मच ग्रेटर इन द जोन देन आइदर कम्युनिटी, दिस इज कॉल्ड द एज इफेक्ट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज इफेक्ट क्या होता है, एज स्पीसीज क्या होती है, ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्पीसीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज मच ग्रेटर इन दिस जोन देन द, यही चीज सेम चीज जो बोल रहा है, एज इफेक्ट क्या होगा कि ये जो एज है, एज मतलब होता है किनारा, जमीन यहाँ पे खत्म हो रही है, पानी यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो किनारे पे जो जानवर रह रहे हैं उसकी डेंसिटी जो होगी वो यहाँ की डेंसिटी से ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन जानवर जो पानी में भी रह रहे हैं, जमीन में भी रह रहे हैं, और ऐसे जानवर जो पानी जमीन दोनों पर रह रहे हैं यहाँ पे रहेंगे, तो
यहाँ पे जो चीजें रहेंगी वो ज्यादा डेंस होंगी, इसीलिए आप देखते होंगे कि जहां पे आपका दलदली भूमि होती है वहां पे क्या कहते हैं, जहां पे डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट वहीं पे होता है, सबसे ज्यादा जो जानवर होते हैं वहीं पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपके डिफरेंट टाइप के जानवर पाए जाएंगे, जमीन में भी रह रहे हैं, पानी में भी रह रहे हैं, जमीन पानी दोनों में रह रहे हैं, तो यही चीज बोल रहा है। तो जो एज इफेक्ट यही है कि जो एज में जो होता है डेंसिटी बढ़ जाती है जानवरों की, जो आपकी नॉर्मली यहाँ और यहाँ नहीं हो रही है, ठीक है। फिर से एक इफेक्ट समझा दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये हो गई आपकी लैंड, ये हो गई आपकी लैंड, ये हो गया आपका ओशियन या पॉन्ड, कुछ भी मान लीजिए, मतलब ये आपका मरीन है, ठीक है। तो ये वाला जो एज है, ठीक है, एज में सोता किनारा और ये वाला एज है, ये दोनों जहां पे मिल रहे दलदली भूमि जहां पे बन रही, ये वाला एरिया इसको इकोटोन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इकोटोन। तो यहाँ पे जो जानवर पाए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एरिया कम है इसकी अपेक्षा, ये एरिया कम है, तो यहाँ जो जानवर पाए जा रहे हैं वो जानवर इतने में ही सीमित रह जाएंगे, तो डेंसिटी मतलब घनत्व तो बढ़ जाएगा, एक एरिया में पाए जाने वाले जानवरों की संख्या ही घनत्व तो होती है, ये एरिया तो बहुत ज़्यादा है, इसमें जो जानवर पाए जा रहे हैं इंसान पाए जा रहे होंगे, ठीक है, तो इसमें जो होगा डेंसिटी कम रहेगी, यहाँ भी डेंसिटी कम रहेगी, बट इतने छोटे एरिया में बहुत सारे जानवर आके रहेंगे जो आपका जिनको यहाँ पे फूड भी चाहिए रहने के लिए उनकी जगह है, तो वो इसी एरिया पर रह पाएंगे, इसलिए यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो एज में जो डेंसिटी ज़्यादा होती है जानवरों की उसी को एज इफेक्ट कहते हैं, और यहाँ पे एज में पाए जाने वाली स्पीसीज को हम लोग एज स्पीसीज कहते हैं, ठीक है, एज स्पीसीज। जैसे आप क्रोकोडाइल को भी आप एज स्पीसीज कह सकते हैं क्योंकि ये पानी और जमीन दोनों में रहता है, ठीक है, मगरमच्छ हो गया आपका, घड़ियाल हो गया आपका, मेढक हो गया, डिफरेंट सांप हो गए, तो ये एज स्पीसीज है। चलिए अब हम बात करते हैं नीच एंड ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, इसको नीच पढ़िएगा आप लोग, नीचे मत पढ़िएगा, और ऑर्गेनिज्म की। तो इन नीच एंड मेनी स्पीसीज ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज इन हैबिटेट इज रेफर टू एज ए नीच इन दैट कॉमन हैबिटेट, हैबिटेट ऑफ स्पीसीज इज लाइक इट्स एड्रेस व्हाइल वेयर इट लिव्स वेयर इट्स नीच कैन बी थ्रो ऑफ इट एज इट्स प्रोफेशन, ठीक है, एक्टिविटी एंड द रिस्पॉन्स स्पेसिफिक ऑफ द टाइम्स। देखिए जिसमें दो चीज की हम बात कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं हैबिटेट की, ठीक है, और एक बात कर रहे हैं हम नीच की, ठीक है। देखिए नीच हैबिटेट क्या है, जहां पे कोई चीज रह रही है, सपोज ये आपका लैंड है, एक जमीन है, ठीक है, ये आपका जमीन है, यहाँ पे कोई टाउन है, यहाँ पे इंसान रह रहा है, यहाँ पे कोई जंगल है, यहाँ पे आपका क्या रह रहे हैं, यहाँ पे जानवर रह रहे हैं, यहाँ पे आपका तालाब है, यहाँ पे पानी वाली चीजें रह रही है, तो ये जो हुआ ये आपका हैबिटेट एरिया हुआ, मतलब ये इंसानों का हैबिटेट एरिया हुआ, जंगल जो है वो जानवरों का हैबिटेट एरिया हुआ, और ये मरीन जो पानी जहाँ पे है वो इनका हैबिटेट एरिया हो, जो पानी में रहने वाला जीव, तो इनको कहेंगे हैबिटेट, मतलब एड्रेस एक तरह से, कि अगर किसी इंसान से पूछा जाए कि ये तीन जगह में से जानवर कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या बोलेगा, यहाँ पे बोलेगा जंगल में, फॉरेस्ट में, तो वो उसका एड्रेस हो गया। तो हैबिटेट एक टाइप का एड्रेस कहा जा सकता है, लोग कहाँ पाए जाते हैं तो बोलेगा टाउन में, तो ये उसका एड्रेस हो गया, ठीक है। बट उसकी जो प्रोफेशन है उसका नीच कहलाएगा, जैसे कि इंसान का प्रोफेशन क्या है कि वो मेहनत करेगा, काम करेगा, खाना बनाएगा, खाना खाएगा, तो वो एक इंसान का नीच हो गया या ह्यूमन बींग का नीच हो गया। बट जानवरों का क्या है, वो शिकार करेंगे, खाना खाएंगे, वो उनका नीच हो गया। मरीन मछलियों का नीच क्या, मछली के नीच क्या कह सकते हैं, मछलियों का नीच होता है कि वो क्या करती है, एक तो तैरती है और दूसरा पानी से ही अपने जो छोटे छोटे जीव होते हैं, मतलब वाटर से ही अपने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उनको खाती है, तो वो उसका नीच हो गया। तो यही चीज बोल रहा है कि नीच और हैबिटेट में यही सिर्फ डिफरेंस है कि हैबिटेट एक एड्रेस की तरह है कि जहां पे स्पेसिफिक रह रहा है और वो क्या काम कर रहा है वो उसका नीच है, ठीक है। जैसे कि आप ऑफिस जाते हैं तो इसको हम एक नीच कह सकते हैं कि आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है कि आप जॉब करते हैं, आईटी में जॉब करते हैं, तो आपका नीच है, ठीक है। तो यही बोल रहा है एक्टिविटी रिस्पॉन्स स्पीसीज टू स्पीसीज। तो डेफिनेशन की अगर बात करें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीच का डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, द टर्म नीच मीन्स द सम ऑफ ऑल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप ऑफ द स्पीसीज बाई विच इट यूजेज द रिसोर्सेज इन इट्स हैबिटेट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। सिंपल, नीच का मतलब है कि सब चीज को आप जोड़ दीजिए, जो भी एक्टिविटी एक इंसान कर रहा है, इंसान उठ रहा है, मॉर्निंग में उठ रहा है, ठीक है, मॉर्निंग में गेटअप हो रहा है, उठ रहा है, फिर उसको क्या करें, नौकरी करने जा रहा है, ठीक है, सर्विस पे जा रहा है, फिर आके खाना बना रहा है, ठीक है, खाना बना रहा है मतलब
फूड कुकिंग कर रहा है, उसके बाद मैरिज कर रहा है जिससे रिप्रोडक्शन कर सके, तो इन सबको अगर मिला दिया जाए तो क्या कहेंगे, इसको ही नीच कहेंगे। तो यही बोल रहा है कि द टर्म नीच मीन्स द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप ऑफ द स्पीसीज बाई विच यूजेज द रिसोर्सेज एंड इट्स हैबिटेट फॉर इट्स सर्वाइवल। वो जीने के लिए रिप्रोडक्शन के लिए क्या एक्टिविटीज कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, कि शेर शिकार कर रहा है, जीने के लिए शिकार कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसका नीच है। या अगर सिंपल डिफिनेशन समझे, ए नीच इज द यूनिक फंक्शनल रोल ऑफ द प्लेस ऑफ ए स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, एक इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर स्पीसीज, स्पीसीज मतलब नस्ल, इंसान का, सपोज हम ले लेते हैं इंसान, तो इंसान का क्या फंक्शनल रोल है, वो क्या रोल कर रहा है, एक तो रिप्रोडक्शन कर रहा है, दूसरा सर्विस में जा रहा है, खाना बना रहा है, जो भी कर रहा है, तो एक नीच में जो उसका यूनिक फंक्शन है, ठीक है, वही आपका इकोसिस्टम कहलाता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एग्जाम्पल कभी भूलते नहीं। तो इसका आपका नीच क्या है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आपका नीच है समझने के लिए। एनवायरमेंट के केस में नहीं होता, एनवायरमेंट केस में स्पीसीज की हम बात करते हैं, प्रॉपर स्पीसीज की बात करते हैं। अगर बात करेंगे ह्यूमंस की, बात करेंगे एनिमल्स की, बात करेंगे मरीन की, बात करेंगे, तो यह समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। आपका नीच क्या है, आप एक स्टूडेंट है, आप क्या करते हैं सर्वाइवल के, क्या करते हैं खाना खाते हैं और सर्वाइवल के लिए पढ़ाई करते हैं, पैसा कमाते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए आप शादी करते हैं, सिंपल। तो ये नीच हो गया उसका, ठीक है। चलिए, अ नीच जो यूनिक फॉर स्पीसीज व्हाइल मेनी स्पीसीज शेयर द हैबिटेट। ठीक है, एक हैबिटेट है, ठीक है, एक जमीन है, ठीक है, ये एक जमीन है, इस जमीन में तो आपके इंसान भी रह रहे हैं, जानवर भी रह रहे हैं और मरीन में ये भी रह रहे हैं, तो एक ही जगह लैंड को ही हम लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है, लैंड में अपना अपने हैबिटेट में रह रहे हैं। लेकिन हर इंसान, हर स्पीसीज जो है, कि हर स्पीसीज, हर नस्ल की जो नीच है वो अलग होगी, दो किसी किन्हीं भी दो स्पीसीज की जो हैबिटेट नो टू स्पीसीज इन ए हैबिटेट, मतलब एक हैबिटेट में रहने वाले दो स्पीसीज की कभी नीच सेम नहीं होगी। मतलब शेर अगर शिकार करता है, ठीक, शेर अगर शिकार करके खा रहा है तो हम शिकार करके नहीं खा रहे हैं, ठीक है। मतलब जो कार्निवोरस है उसकी नीच क्या है, कार्निवोरस शिकार करके खा रहा है। जो आपका हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस है वो आपका वेजिटेरियन चीज खा रहा है, ठीक है, वो शिकार नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ, वही हुआ ना कि एक ही जगह पे इतने सारे लोग रह रहे हैं लेकिन उनका सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, सबका अपना सर्वाइवल प्रोसेस अलग है, सब अपने जीने के लिए डिफरेंट तरीके से करते हैं। मछलियां पानी में ही ढूंढ लेती हैं, वो बाहर आके शिकार तो नहीं करती, ठीक है, शेर बाहर आके शिकार करके जानवर खाता है, इंसान जहां रहता है वहीं पे खाना बना के खाता है। तो यही चीज बोल रहा है कि कोई भी दो स्पीसीज, अगर आप इंसान ले लीजिए, एनिमल ले लीजिए, या तो ले लीजिए, किसी भी दो स्पीसीज की आपका नीच सेम नहीं हो सकता। दिस इज बिकॉज इफ टू स्पीसीज ऑक्यूपाई द सेम नीच दे विल कम्पीट विद वन अदर अंटिल वन इज डिस्प्लेड। फॉर एग्जाम्पल, ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट मे बी पेस्ट ऑफ पेस्ट ऑफ द सेम प्लांट बट दे कैन Coexist as they feed on the different part of the same plant। मतलब देखिए, बोल रहा है कि अगर ऐसा हो जाए, भगवान अगर ऐसा बना दिया होता कि दो जो स्पीसीज है उनका है, उनका नीच सेम होता, सपोज एक इंसान है, मतलब एक ह्यूमन बींग हो गया और एक एनिमल हो गया, ठीक है, माफ कीजिएगा, एक ह्यूमन बींग हो गया एक एनिमल्स हो गया, दोनों को अगर भगवान ने ऐसे बना दिया होता कि उनका मतलब ऐसा डेवलपमेंट हुआ होता कि दोनों शिकार करके खाएंगे, तो अगर यहाँ पे एक डियर है, ठीक है, एक हिरण है, तो इंसान इसको मारने की कोशिश करता है और जानवर इसको मारने की कोशिश करता है। अब इन दोनों में से एक ही इंसान, एक ही चीज को मिल सकता है, या तो इंसान ले लेगा या तो जानवर ले लेगा, ठीक है, इन दोनों में से एक ही को मिल सकता है, तो अब इंसान क्या करेगा कि इसको खाने के लिए पहले इसको मार देगा, ठीक है, या जानवर जो क्या करेगा, इसको खाने के लिए इंसान को मार देगा। तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि ये दोनों चीजें एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करेंगी और धीरे धीरे सारी चीजें एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, जैसे कि पहले के जमाने में हुआ है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि किसी भी दो स्पीसीज की आपकी नीच जो होती है कभी सेम नहीं हो सकती है, ठीक है, हमेशा डिफरेंट होगी, नहीं तो अगर सेम हो गई तो आपका अस्तित्व जो है खतरे में आ सकता है। अगर हम बात करें टाइप ऑफ नीच की, कितनी टाइप की नीच होती हैं, तो चार टाइप की टोटल नीच होती हैं, ठीक है, कितनी टाइप की, फोर टाइप्स की नीच होती हैं। सबसे पहली नीच होती है आपके हैबिटेट नीच, जहां पे कोई चीजें रह रही है, कोई भी हैबिटेट मतलब ह्यूमन बींग की बात नहीं कर रहे, जो कोई भी जानवर रह रहा है या मछलियां रह रही है, तो वो उसका हैबिटेट नीच हो गई, तो जहां पर रह रही है वो उसका हैबिटेट नीच है। फूड नीच, किस तरह के खाने को वो खा रहे हैं, ठीक है, और क्या खा रहे हैं, क्या डिकम्पोज कर रहे हैं, या किस उसको खाने के लिए किस चीज से कंपटीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका किसी का फूड, आपका फूड क्या है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप दोनों खा रहे हैं,
ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप मुर्गे को खरीद के लाएंगे, कटवा के लाएंगे, ठीक है, या बकरे को अगर मीट खाते हैं तो, या तो अगर वेजिटेरियन खाते हैं तो सब्जी खाएंगे, सब्जी तो बकरियां भी खाती हैं, तो उनसे आप कंपीट कर रहे हैं। पहली बात, आप खा क्या रहे हैं, आप डिकम्पोज जो होते हैं, डिकम्पोजर आपका डेट्रिवोरस जो होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या डिकम्पोज कर रहे हैं, तो उसकी फूड नीच हो गई। रहने की क्या, रहने का क्या क्या तरीका अलग है, वो उसका हैबिटेट नीच हो गई। शेर गुफा में रहता है वो उसका नीच हो गया, हम मकान में रहते हैं हमारा नीच हो गया, मछलियां पानी में रहती हैं उसका नीच हो गया, फूड हम खाना, हम क्या खा रहे हैं, हम वेजिटेरियन खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन हमारा नीच हो गया, शेर या लायन जो है वो नॉन वेजिटेरियन खाता है उसका नीच हो गया। रिप्रोडक्शन नीच, हाउ एंड वेयर इट रिप्रोड्यूस, कैसे चीजें रिप्रोड्यूस होती है, इंसान कैसे चीजों को रिप्रोड्यूस करता है वो उसका रिप्रोडक्शन नीच है, जानवर कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो उसका नीच है, ठीक है। उसके बाद बात करें फिजिकल एंड केमिकल नीच, ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट फिजिकल एंड केमिकल नीच, हम कितने टेम्परेचर को सह सकते हैं, हम किस लैंड शेप में रह सकते हैं, हम कितने स्लोप में रह सकते हैं, हम कितनी ह्यूमिडिटी सह सकते हैं, और क्या अदर रिक्वायरमेंट है, वो क्या होगा, हमारी नीच हो गई, ठीक है। सपोज हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सह पाएंगे, लेकिन जो जानवर जो आपके हिमालय में रहते हैं, हिमालयन वाले, या आपके जो आर्कटिक अंटार्कटिक साइड, उनका टेम्परेचर अलग है, वो अलग, वो उनका नीच है। क्या लैंड शेप में रह पाते हैं, ठीक है, हम जंगल में ज़्यादा अंदर नहीं रह सकते हैं, जंगल को काट के रह पाएंगे, लैंड स्लोप एक पर्टिकुलर स्लोप पे ही रह पाएंगे, ह्यूमिडिटी जो होती है एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी ही रह पाएंगे, ज़्यादा ह्यूमिडिटी हम नुकसान नहीं पाएंगे, तो यही उसकी फिजिकल एंड केमिकल नीच हो गई। तो ये चार तरह के नीच हो गए, इसको भी आपको याद करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपका हैबिटेट नीच, फूड नीच, रिप्रोडक्टिव नीच और फिजिकल एंड केमिकल नीच। चलिए अब हम बात करेंगे बायोम की, ठीक है, बायोम की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक, हम सिक्स लेवल जो पढ़ रहे थे उसमें जब हमने पढ़ा था, पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो, इंडिविजुअल पढ़ा था, उसके बाद हमने पॉपुलेशन पढ़ा था, कम्युनिटी पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इकोसिस्टम पढ़ा था, ठीक है, फिर बायोम, और उसके बाद बायोस्फीयर, यही चीज़ पढ़ रहे थे ना हम लोग, बायोम और फिर बायोस्फीयर पढ़े, तो अभी हम बायोम फिफ्थ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू एनोमरस रीजन कॉल्ड बायोम्स विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड जनरल सॉइल टाइप। नो टू बायोम्स आर अलाइक। द क्लाइमेट डिटरमाइन द बाउंड्री ऑफ द बायोम एंड अबंडेंस ऑफ द प्लांट्स एनिमल्स फाउंड इन ईच वन ऑफ देम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर आर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ये देखिए बायोम का मतलब क्या हुआ, एक जो बड़ा सा एरिया है उसको हम लोग बायोस्फीयर अगर कह दें, ठीक है, माफ कीजिएगा दोस्तों, क्या है बायोम, तो एक बड़ा सा अगर बायोस्फीयर हम कह दें, क्या कह रहे हैं हम लोग, एक बायोस्फीयर, ठीक है, जो सबसे बड़ा यूनिट होता है रहने का उसको बायोस्फीयर बोला जाता है। आपको बताया गया था सिक्स सबसे छोटा इंडिविजुअल, सबसे बड़ा बायोस्फीयर, जो भी सबसे बड़ी चीज है वो बायो, सबसे बड़ी फंक्शनल यूनिट जो है वो बायोस्फीयर है, ठीक है, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में भी डिफरेंट जगह होंगी आपकी, सपोज आपका कोई प्लेन होगा, फिर उसके बाद प्लेटूज होगा, प्लेटूज के ऊपर आपका क्या कहते हैं माउंटेन्स होगा, तो जो चीजें यहाँ रह पा रही है वो यहाँ पे नहीं रह पाएंगी, जो चीज़ें यहाँ रह पा रही वो यहाँ पे नहीं रह पाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है यहाँ पे, वहाँ चीज़ें नहीं रह पाएंगी, टेम्परेचर कम होता है वहाँ नहीं रह पाएंगे। तो यही बोल रहा है कि आपका एक टेरेस्ट्रियल मतलब एक स्थली भाग में बायोस्फीयर को हम डिवाइड कर दें डिफरेंट रीजन में, ठीक है, जिसमें आपका क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट आपका क्या है, यहाँ का ड्राई क्लाइमेट है, वेट क्लाइमेट है, उसके हिसाब से, या वेजिटेशन के हिसाब से, जो आपके सात टाइप के वेजिटेशन हमने पहले पढ़ लिया, टुंड्रा पढ़ लिया, टाइगा पढ़ लिया, ठीक है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ लिया, डिसीडियस फॉरेस्ट पढ़ लिया, वेजिटेशन के हिसाब से, एनिमल लाइफ के हिसाब से कर दें, यहाँ के जानवर जो हैं ज़्यादा जीते हैं, यहाँ के जानवर कम जीते हैं, या जनरल सॉइल के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर आपकी ब्लैक सॉइल पाई जा रही है, यहाँ आपका रेड सॉइल पाई जा रही है, यहाँ आपके मिक्स सॉइल पाई जा रही है, तो वो पर्टिकुलर रीजन को हम डिवाइड करें उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बायोम कह रहे हैं, ठीक है, उस रीजन को हम लोग बायोम कह रहे हैं। तो द क्लाइमेट उस वो बायोम किस बायोम को डिसाइड क्या चीज़ करती है, बायोम को डिसाइड करती है क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट और आपका जो वहाँ पे जानवर पाए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, सपोज जहाँ पे आपकी बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे एवरग्रीन एक तो फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ जो जानवर रहते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जानवर होते हैं,
ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जो चीजें, अगर एक बायोस्फीयर है, एक स्थलीय भाग है, उसमें भी बहुत सारी चीजें जहां पे क्लाइमेट के हिसाब से कहीं बारिश कम होगी, बारिश ज्यादा होगी, बारिश यहाँ पे कम हो रही है, यहाँ पे ये रेगिस्तान है, तो ये डिफरेंट बायोम्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे बारिश ज्यादा होगी तो एवरग्रीन है, ये बायोम हो गया। यहाँ पे मॉडरेट बारिश हो रही है, ठीक है, यहाँ पे जानवर डिफरेंट होंगे, यहाँ फसल डिफरेंट होगी, या आपका डेजर्ट होगा, यहाँ पे बारिश होती नहीं है, तो यहाँ जो प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं डिफरेंट पाए जाते हैं। तो आपका क्लाइमेट फैक्टर और टेम्परेचर, ये दो चीज होती है डिसाइड करती है बायोम, ठीक है। क्लाइमेट कैसा है वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, और आपका प्रिसिपिटेशन मतलब होता है रेनिंग। तो ये वही हो गया, क्लाइमेट आपका, क्लाइमेट से ही रेनिंग डिसाइड होती है। तो ये आपका हो गया क्या, इससे डिसाइड होता है आपका बायोम, ठीक है। तो बायोम कुछ नहीं है, एक बायोस्फीयर को सबसे बड़े यूनिट को अगर छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर दें वहाँ के टेम्परेचर क्लाइमेट के हिसाब से, तो उसी को हम लोग बायोम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते, टाइप्स ऑफ बायोम की अगर बात कर लें, चलिए तो टाइप्स ऑफ बायोम जो हम बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ बायोम की अगर बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टुंड्रा, ठीक है। टुंड्रा क्या होता है, कौन सी जगह होती है टुंड्रा, ये आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा और हमेशा पूछा जाता है। ये आपका ज्योग्राफी भी जब पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी का भी ये पार्ट एक है, ठीक है, ज्योग्राफी का भी पार्ट है। तो अभी हम एनवायरमेंट का भी पार्ट है, तो टाइप ऑफ बायोम की अगर बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेश कौन से होते हैं, ठीक है, टुंड्रा प्रदेश जहाँ पे ट्री लेस लो लेस देन 1 मीटर और वेजिटेशन विद शॉर्ट पेरेनियल वाटर फ्रोजन। टुंड्रा प्रदेश वो प्रदेश होता है जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर पड़ती है, सबसे पहली बार स्नो पड़ती है, ठीक है, जो आपका ऊपर वाला एरिया मंगोलिया वाला और आपका अगर देखें तो डेनमार्क वाला एरिया, आइसलैंड वाला एरिया या रशिया वाला एरिया जो है वहाँ पे टुंड्रा पाया जाता है। टुंड्रा में सबसे पहली बड़ी बात है कि वहाँ पे जो ट्री की हाइट होती है, जो पेड़ की हाइट होती है वो 1 मीटर से कम होती है, मतलब 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर से कम वहाँ पे ट्री की हाइट होती है। और वहाँ पे शॉर्ट पेरेनियल्स रिवर जो होती हैं वो जो होती है कम होती है और वहाँ पे जम जाती हैं रिवर्स, ठीक है। शॉर्ट पेरेनियल्स मतलब पानी बहुत कम मिलता है वहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ जम जाती है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है। दूसरा बात, टिपिकल प्लांट्स इंक्लूड सेजेज, लीचेन, मोजेज, ग्रास एंड ड्वार्फ वुडी प्लांट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ जो वेजिटेशन होते हैं, लीचेन होता है आपका, मोजेज होता है, ग्रास होता है और ड्वार्फ वुडी प्लांट्स होते हैं। तो ये पूछा जाता है आपका लीचेन कहाँ पे पाए जाते हैं, लीचेन और मोजेज कहाँ पाए जाते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि कहाँ पाए जाते हैं लीचेन और मोजेज पाए जाते हैं आपके टुंड्रा में, टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं इनको, ठीक है, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं टुंड्रा प्रदेश कह देते हैं इसको। तो यहाँ लीचेन, मोजेज और ग्रास कहाँ पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश, ये पूछा जाता है आपसे। टिपिकल एनिमल इंक्लूडिंग स्नो ऑल्स, मस्क ऑक्स, रेनडियर, पोलर बियर एंड माइग्रेंट्स वर्स, ठीक है, आपके पोलर बियर्स पाए जाते हैं, ठीक है, पोलर बियर देखो व्हाइट कलर के जो भालू होते हैं पोलर बियर्स होते हैं। कौन, अच्छा आप हम कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कहाँ पे पाए जाते हैं, आर्कटिक में पाए जाते हैं या एंटार्कटिक में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए दो चीज़ होती हैं, एक होती है आपकी पोलर बियर होता है और दूसरा आपका होता है आपका नाम नहीं ध्यान आ रहा है इसका, पांडा, ठीक है, पांडा नहीं, ये आपका पेंगुइन, ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका पेंगुइन। तो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि पेंगुइन कहाँ पाए जाते हैं, आर्कटिक में पाए जाते हैं, अंटार्कटिक में पाए जाते हैं या पोलर बियर कहाँ, दोनों अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा चीज़। पोलर बियर अगर आर्कटिक में पाया जाएगा तो ये अंटार्कटिक में, और अंटार्कटिक आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि आपका रेनडियर और पोलर बियर, ये ध्यान रख लीजिए कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ठंड होती है, वेरी कोल्ड, हमेशा ठंडा, ऑफन ड्राई क्लाइमेट बट विद द परमानेंट फ्रोजन ग्राउंड क्रिएटिंग सैचुरेटेड सॉइल ड्यूरिंग समर मंथ, आर्कटिक टुंड्रा इज सरकम पोलर स्कैंड्री अंटार्कटिक में। तो ये बोल रहा है कि आपका जो होता है जो परमानेंट फ्रोजन ग्राउंड होते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं सैचुरेटेड सॉइल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, कब, समर मंथ में, समर मंथ में जब थोड़ी सी वहाँ पर गर्मी होती है तो ये जब ग्राउंड जो होते हैं स्नो वहाँ पर बह जाता है तो वहाँ पर बहुत थोड़ा बहुत वेजिटेशन हो जाता है जिनकी हाइट करीब 1 मीटर होती है। तो ये यही बोल रहा है, ठीक है, कि टुंड्रा जो होता है सरकम पोलर, आर्कटिक जो होता है वो हमेशा ऐसा होता है और अंटार्कटिक जो होता है वो ऐसा, दोनों डिफरेंस दिख। अच्छा चलिए हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि वाई अंटार्कटिक, अंटार्कटिक आपने सुना है ना, वाई अंटार्कटिक इज आपका महाद्वीप है, ठीक है, वाई अंटार्कटिक को महाद्वीप बोलते हैं, आर्कटिक को महाद्वीप नहीं बोलते, क्यों, आर्कटिक को महाद्वीप में काउंट नहीं करते, अंटार्कटिक को महाद्वीप में काउंट करते हैं। बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, आप हमें बताइएगा क्यों, आपने सोचा भी नहीं होगा इसके बारे में आज तक,
लेकिन अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें बताइएगा कि अंटार्कटिक को कहे हम किस लिए हम आपका महाद्वीप में काउंट करते हैं, ठीक है, सात महाद्वीप तो आपको पता है ना, तो आर्कटिक को क्यों काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे हम, टुंड्रा हमने पढ़ लिया, टुंड्रा में आपको क्या ध्यान रखना है, टुंड्रा में सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि हर चीज़ वहाँ पर जमी रहती है, फ्रोजन होती है। दूसरा वहाँ पर आपका पोलर बियर्स पाए जाते हैं। तीसरा वहाँ पे मोजेस और लीचेंस पाए जाते हैं। और चौथा वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और वेजिटेशन जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम बोरियल या बोरियल फॉरेस्ट या टैगा की चीज़ होती है, ठीक है, ध्यान रखें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, टैगा भी बोलते हैं। टुंड्रा पढ़ लिया, टैगा कन्फ्यूज मत होइएगा, टुंड्रा आप याद कर सकते हो ठंडा, टुंड्रा ठंडा नाम पता चल रहा तो थोड़ा सा इससे आप याद करने का एक तरीका है। तो अब बात करें टैगा में, टैगा में क्या होता है, टैगा होता है डेंस एवरग्रीन नीडल लीव्ड फॉरेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें ये हमेशा डेंस मतलब होता है बहुत घना होता है, और एवर हमेशा यहाँ पे 12 महीने जो पेड़ होते हैं वो हरे रहते हैं, और नीडल लीव्ड फॉरेस्ट होते हैं। नीडल लीव मतलब उनकी पत्तियाँ जो होती हैं ऐसे सुई के समान होती हैं, ठीक है, ऐसे नुकीली होती हैं। चलिए अच्छा, आप लोगों को लगता होगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है या सदाबहार फॉरेस्ट होता है वहाँ पेड़ हमेशा हरे रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर वहाँ पे 100 पेड़ हम एग्जाम्पल ले ले पाए जाएंगे तो उसमें से करीब 50-60% पेड़ जो होंगे वो जिस टाइम पे अपने पत्ते शेड करते हैं या पत्ते गिराते हैं, दूसरे उस टाइम पे अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, ठीक है। अगर इन जनरल देखा जाए तो 100 पेड़ हैं, 50 अपने पत्ते अलग टाइम पे गिराते हैं, 50 अपने पत्ते अलग टाइम पे गिराते हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है हमें कि वो हम हर टाइम हरा है, जबकि ऐसा नहीं है। सारे 100 के 100 पेड़ हमेशा हर टाइम हरे नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअली इनका शेडेड पत्तों का शेडिंग टाइम अलग अलग होता है, इसलिए वो हरे दिखाई देते हैं हर टाइम। टिपिकल प्लांट इंक्लूड्स व्हाइट स्प्रूस, ब्लैक स्प्रूस एंड जैक पाइन। पाइन ध्यान रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है, पाइन कहाँ पाए जाते हैं, पाइन आपके टैगा में पाए जाते हैं। पाइन मतलब होता है जिनकी पत्तियाँ जो होती हैं नुकीली होती हैं, ठीक है, पत्तियाँ इनकी नुकीली होती हैं। टिपिकल एलिमेंट एनिमल्स इंक्लूड मूज, ब्लैक बियर, वुल्व्स एंड माइग्रेटरी बर्ड, ठीक है, मूज इसमें पूछा जाता है। तो ये पाए जाते हैं आपके टैगा में। कोल्ड विंटर विद डीप स्नो बट लार्जर ग्रोइंग सीजन देन द टुंड्रा, द वार्म मंथ एवरेज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, पीरियोडिक फायर्स आर कॉमन, ठीक है। ये बोल रहा है टैगा वाला जो एरिया होता है उसमें भी आपकी ठंडी तो होती है, कोल्ड विंटर्स होती हैं और स्नो भी हो सकता हो, लेकिन उसमें जो होता है गर्मी ज़्यादा टाइम होती है। अगर 3 महीने वहाँ पे आपका 3 महीने यहाँ पर अगर स्नो फॉल हो रहा है तो 9 महीने वहाँ पे गर्मी रहेगी, जिससे आपका जो टेम्परेचर होता है हाई रहता है वहाँ पे, टेम्परेचर तो हाई रहता है, ऊपर से वहाँ पे खेती हो सकती है, वेजिटेशन हो सकता है, तो वहाँ पे पीरियोडिक फायर आर कॉमन्स। पीरियोडिक फायर आर कॉमन्स का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो वाइल्ड फायर होता है, जंगल में जो आग लग जाती है वो कॉमन है। जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी ठंड रहती है 3 महीना करीब 4 महीना, लेकिन उनमें 9 महीना जो होता है वहाँ पे वेजिटेशन हो सकता है, और वहाँ पे आपने सुना होगा आग भी बहुत लगती है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम टेम्परेट, हमने पढ़ लिया टुंड्रा, पढ़ लिया टैगा, पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट या बीच का, ठीक है, मॉडरेट या बीच का, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट विद थिन ब्रॉड डिसीडियस लीव और रेन फॉरेस्ट टिपिकली डोमिनेटेड बाय कॉनिफर्स। ये एक्सक्यूज मी, टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होता है कि डेंस, ये भी क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट घना फॉरेस्ट होता है, इनकी भी जो पत्तियां होती हैं वो थिन होती है, पतली होती हैं, लेकिन ये चौड़ी होती हैं, ठीक है, पतली होती हैं लेकिन ये चौड़ी होती हैं, ठीक है, डिसीडियस लिफ्ट होती हैं, और रेन फॉरेस्ट टिपिकली डोमिनेटेड बाई कॉनिफेरस। कॉनिफेरस मतलब ऐसा नुकीला जो होता है, आपने पेड़ देखा, आपने अशोक का पेड़ देखा है वो ऊपर से जाता है, या आप जंगल की कभी फोटो देखते होंगे माउंटेन्स की, तो उसमें जो पेड़ होते हैं हमेशा नुकीले होते हैं, उसी को कॉनिफेरस बोल रहा है। उसका रीजन ये होता है कि पत्तियां अगर ज़्यादा चौड़ी कर दी गई, ठीक है, मतलब आपकी अगर थिन है ये पतली पत्तियां, अगर ज़्यादा मोटी कर दी गई तो इनसे पानी का जो पानी का आपका कहते हैं पानी का लॉस जो होता है धूप पड़ने से वो ज़्यादा होगा। इसीलिए देखिएगा आप ऐसे एरिया जहाँ पे पानी मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे पानी कम बारिश होता है वहाँ की पत्तियां हमेशा पतली होती हैं, ठीक है, पतलियाँ पतली हो, जैसे कि आपका हो गया कहाँ पे थॉर्नी टाइप होता है, जैसे आपका रेगिस्तान में भी, रेगिस्तान में भी जो पेड़ पाया जाएगा ना तो उनकी या तो पतली पत्तियाँ होंगी या उनकी पत्तियों में वैक्स होता है, ठीक है, जिससे कि आपका धूप पड़ने से उनमें पानी का जो वो है पानी बाहर न जाके वाष्पीकरण होकर बाहर न चल पाए, ठीक है। इसमें आपका टॉल ट्रीज विद सिंगल बोल्स क्रिएटिंग डीप शेड्स अंडर स्टोरेज ऑफ स्पार्स। टिपिकली प्लांट्स इंक्लूड मैपल्स, ओक, एल्म्स, स्प्रूस या अराकुसिया रेन फॉरेस्ट। ये ध्यान रखिएगा, ओक का ट्री जो होता है जिसके आपके मैपल्स सबसे अच्छी जो लकड़ियां मानी जाती है मैपल्स की, ओक्स की,
ठीक है। उसके बाद डिसीजन स्प्रूस और अराकोसिया की, ये जो पाई जाती है टेम्परेट फॉरेस्ट में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। टिपिकल एनिमल इंक्लूड डियर एंड स्क्विरल, आपका जो मतलब होते हैं स्क्विरल मींस गिलहरी जो होती है, और आपकी हिरन जो होते हैं ये पाए जाते हैं। फ्रीजिंग विंटर एंड वार्म विद समर एंड ए लॉन्गर ग्रोइंग सीजन देन द बोरियल फॉरेस्ट। अब ये इससे क्या हुआ कि सपोज आपका 3 महीना, सपोज आपका 10 महीना टुंड्रा में ठंड रहती है, ठीक है, टैगा में करीब आप मान लें 4 महीना रहती है ठंड, तो यहाँ पे जो रहेगी 3 ही महीना ठंड रहेगी, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि फ्रीजिंग, यहाँ भी विंटर फ्रीजिंग होता है और वार्म भी हो, गर्मी भी होती है, लेकिन जो वेट समर्स होते हैं, समर जो होते हैं वो लॉन्गर रहते हैं, उनका सीजन जो होता है लॉन्गर रहता है। इनका ऐसा लोकेशन है अर्थ पे कि यहाँ पे धूप जो है ज़्यादा टाइम पड़ती है 12 महीने में, इसलिए यहाँ पे ग्रोइंग सीजन बोरियल फॉरेस्ट से ज़्यादा होता है। तो ये एक्चुअली इसको अरेंज किया गया है टुंड्रा में सबसे कम वेजिटेशन, ठीक है, टुंड्रा में सबसे कम वेजिटेशन होता है, उसके बाद टैगा में होता है, टैगा से थोड़ा सा ज़्यादा होता है आपका टेम्परेट में, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रासलैंड या स्टेपी जिसको कहते हैं, तो ट्री लेस वेजिटेशन लेस देन 1 मीटर हाइट, यहाँ पे घास होती है 1-1 मीटर हाइट की, ठीक है, यहाँ पे जो घास होती है 1-1 मीटर हाइट की, इसलिए इसको ग्रासलैंड बोलते हैं, ट्री लैंड नहीं बोलते हैं। टिपिकल प्लांट्स इंक्लूड गैसेस एंड मेंबर्स ऑफ द सनफ्लावर फैमिली, वुडी प्लांट्स प्रीडोमिनेट स्टेपीज, यहाँ पे जो सनफ्लावर फैमिली सूर्यमुखी का जो पेड़ पौधे होते हैं सबसे ज्यादा यहीं पे पाए जाते हैं। टिपिकल एनिमल्स इंक्लूड लार्ज ग्रेजिंग एनिमल्स सच एज हॉर्स बुफेलो और राइनोसेरस, जो जो जानवर घास ज्यादा खाते हैं वो ही यहाँ पे पाए जाएंगे, क्योंकि उनका नीच क्या है, वो लोग उनका अभी जो हमने पढ़ा था नीच क्या है उनका, कि वो घास खाते हैं, ठीक है, तो उनका जो फूड नीच है वो घास खाते हैं। तो वैसे जानवर जो घास ज्यादा खाते हैं ग्रास लैंड में जाना पाए जाएंगे, घोड़े हो गए आपके, बैल हो गए या आपके गैड़े हो गए, वो यहाँ पे पाए जाएंगे। टिप और उसके बाद कोल्ड और विंटर समर विद ग्रोइंग सीजन मॉइस्चर टू ड्राई फॉर ट्रीज फायर्स एवरी 1-5 साल में करीब, इसमें आग भी लग जाती है। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे ठंडी और गर्म होती है, लेकिन ग्रोइंग सीजन जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करें डेजर्ट्स, डेजर्ट में होता है रेगिस्तान, डेजर्ट में क्या होता है रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में स्पार्स ड्रॉट रेजिस्टेंट वेजिटेशन टिपिकली स्पाइनी विद द टिनी लीव्स एंड फोटो सिंथेटिक बार्क। देखिए यही चीज बोल रहा है कि यहाँ पे जो वेजिटेशन पाए जाएंगे, यहाँ पे जो पेड़ पाए जाएंगे, या तो बहुत पतले होंगे, बहुत टिनी टिनी लीव्स, बहुत छोटी पतली लीव्स होगी, या तो फिर क्या होगा इनके ऊपर वैक्सिंग की जाएगी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस बार्क होगी, इनके ऊपर वैक्सिंग रहती है, जिससे कि क्या होता है कि आपका जो वाष्पीकरण से होके पानी निकले ना और ये पानी को ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सके। टिपिकली प्लांट्स इंक्लूड कैक्टस एरेकेशियस एंड शॉर्ट लीव एनिमल्स, यहाँ पे आपके जो पाए जाते हैं कैक्टस, कैक्टस मतलब होता है नागफनी जो होते हैं जिसमें कांटे वाले पौधे होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। टिपिकल एनिमल इंक्लूड रेप्टाइल सांप ग्राउंड ड्वेलिंग रोडेंट, जो जमीन से सट के चीजें चलती हैं जिनको पानी की कम जरूरत होती है वो यहाँ पाए जाते हैं। प्रेसिपिटेशन लो लेस देन 250 मिलीमीटर पर ईयर, ठीक है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ये पूछ लिया आपसे कि डेजर्ट की कंडीशन क्या होती है, तो वहाँ पे पानी जो होता है 200 mm से कम, 250 mm से कम जो होता है बरसना चाहिए साल में, एंड इवोपरेशन हाई होता है, मतलब 250 बारिश 250 हुई, लेकिन जो पानी का वो है तो वो 300 भी हो सकता है, जिससे आपका अंडर वाटर भी है सूख जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर इज जनरली हाई, फायर्स जनरली आर लेयर ड्यू टू द लो बायोमास, बट यहाँ पे क्या होता है, देखिए आग यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पौधे ही नहीं आग वाले, पौधे ही नहीं है, ठीक है, डेजर्ट आप देख रहे पूरा सूखा रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आग कम लगती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसके बावजूद भी आग कम लगती है, क्योंकि यहाँ पे बायोमास ही नहीं है, यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, ठीक है, तो कैसे आग लगेगी। उसके बाद बात करें हम 6 की ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट एंड सवाना जो कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे थॉर्नी, थॉर्नी मतलब होता है कांटेदार, थॉर्नी फॉरेस्ट वुडलैंड्स स्कैटर्ड ट्रीज मेनी ऑफ विच लूज लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, वही आपका जो होता है डिसीडियस फॉरेस्ट मतलब पतझड़ वाले जो पौधे होते हैं जो आपका पतझड़ में पत्ते गिरा देते हैं। टिपिकल प्लांट्स इंक्लूड एरेकियस एंड ग्रासेस, यहाँ भी एरेकियस एंड ग्रासेस पाए जाते हैं। टिपिकल एनिमल इंक्लूड जिराफ और एलिफेंट पाए जाते हैं, जिराफ और एलिफेंट इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनके जो पत्ते होते हैं वो हाइट पे होते हैं, तो जिराफ जो होता है ऊंचा होता है, हाथी जो होता है ऊंचा होता है। वार्म फ्रॉस्ट फ्री विंटर, ठीक है, यहाँ पे आपका स्नो नहीं फॉर्म होती है। हॉट यूजली वेट समर्स, ठीक है, हमेशा गर्मियाँ होती हैं। एक प्रोनाउंस्ड ड्राई सीजन होता है, ठीक है। फायर एंड ग्रेजिंग आर इम्पॉर्टेंट वेजिटेशन फॉर्मिंग प्रोसेस, ये आपका यही वाले बात कर रहा है जो हमारे इंडिया टाइप में पाया जाता है, या आपका जो ब्राजील वाले एरिया जो इक्वेटर के पास वाले जो एरिया होते हैं, ठीक है, अर्थ में इक्वेटर के पास वाले जो एरिया होते हैं वो इसी टाइप के ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट या सवाना टाइप के एरिया होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक तो गर्मी ज़्यादा होती है, वेजिटेशन होता है, ठीक है, गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, और यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं काफ़ी मतलब ऊँचे टाइप के पाए जाते हैं,
ठीक है, और यहाँ पे कांटेदार पौधे भी पाए जाते हैं। इसका सेवेंथ है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, डेंस टॉल एवरग्रीन फॉरेस्ट। आपका इंडिया में अगर देखा तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट में आपका, आपको पता है मासिमराम और चेरापूंजी जहाँ बारिश बहुत होती है, तो वही आपका मेघालय वाला जो एरिया है, मेघालय, ठीक है, मेघालय और असम का थोड़ा सा नीचे वाला जो एरिया है, तो या मणिपुर वाला जो मिजोरम वाला जो एरिया है, अरुणाचल का नीचे वाला जो एरिया है, वो जो एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है कि आपके बहुत ऊंचे एवरग्रीन फॉरेस्ट, बहुत ऊंचे पेड़ और हमेशा हरे रहते हैं। वही हरा हमेशा इसलिए रहते हैं क्योंकि सारे पेड़ एक साथ पत्ते ड्रॉप नहीं करते, सारे पेड़ एक साथ पत्ते शेड नहीं करते, अलग अलग टाइम पर करते हैं, इसलिए हमेशा वहाँ पे हरियाली कभी कभी रहती है। टिपिकल प्लांट इंक्लूडिंग स्टेंजर फिक्स एंड ट्री फंड्स पाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, अंजीर टाइप की या तो पत्ते होते हैं डिफरेंट टाइप के, जो आपके कांटेदार पौधे होते हैं, ठीक है, पतझड़ टाइप की, वो झाड़ी टाइप की वो होते हैं। टिपिकल एनिमल इंक्लूड स्नेक एंड बर्ड्स बहुत पाए जाते हैं, सांप और चिड़िया बहुत ज़्यादा पाए जाती है। माइल्ड फ्रॉस्ट फ्री विंटर और समर विद ईयर राउंड रेन, ठीक है, यह आपका माइल्ड फ्रॉस्ट फ्री विंटर मतलब यहाँ पे आपका स्नो नहीं होता, स्नो वाले ठंडी नहीं होती, बट जो समर जो होती है वो आपके यहाँ पे बारिश बहुत होती है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे दोनों से साइड से बारिश होती है, आपका एक तो आपका माफ कीजिए नॉर्थ वेस्ट मानसून के साइड से बारिश होती है, उसके अलावा तुम्हारा जो होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, माफ कीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून के साइड से एक तो बारिश होती है, उसके अलावा साउथ वेस्ट मानसून जो होता है उससे भी बारिश होती है, तो हमेशा यहाँ पे बारिश लगभग होती रहती है, करीब 12 महीने से 8 महीना यहाँ पे कम से कम बारिश होती रहती है, तो इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक्वेटिक, जो एक्वा का मतलब होता है पानी, एक्वा का शाब्दिक अर्थ क्या है, पानी या वाटर, ठीक है, एक्वा का शाब्दिक अर्थ है पानी या वाटर। एक्वेटिक जोन, एक्वेटिक सिस्टम आर नॉट कॉल्ड बायोम, इनको बायोम्स में काउंट नहीं करते हैं, जैसे पॉन्ड्स को आप काउंट कर सकते हैं, पर जो बड़ी बड़ी रिवर है, बड़े बड़े समुद्र, उनको काउंट नहीं करते। हाउ एवर दे आर डिवाइडेड इंटू डिस्टिंक्ट लाइफ जोन विद रीजन ऑफ रिलेटिव डिस्टिंक्ट प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द वेरियस एक्वेटिक जोन्स आर ड्यू टू सैलिनिटी, मतलब सैलिनिटी मतलब होता है कितना नमक है वहाँ के पानी में, लेवल ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, कितने आपके मतलब न्यूट्रिएंट्स वहाँ तक पहुँच रहे हैं, वाटर का टेम्परेचर क्या है, डेप्थ ऑफ सनलाइट पेनिट्रेशन क्या है। देखिए समझा देता हूँ इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको, ठीक है, जो आपका समुद्र होता है या आपका पानी होता है, ठीक है, या आपका जो रिवर होता है, रिवर नहीं मानिए, समुद्र होता है, ओशन होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि करीब छः मीटर थी कि सन की रेज जो होती है पेनिट्रेट कर पाती है, इसलिए उसमें जो भी आपकी रिप्स होती हैं, ठीक है, कोरल रीफ आपने सुना हो, जो भी आपकी रिप्स होती हैं, जो आपकी एल्गी होती हैं, ठीक है, वो इन्हीं 6 मीटर तक ही रहती है, इसके नीचे कभी कोई भी आपका वेजिटेशन नहीं पाया जाता, इसलिए आप देखते हैं अंडमान निकोबार आप लोग जाते हैं घुसते घूमने के लिए, विजिटिंग प्लेस जो होता है जहाँ पे आपका स्कूबा डाइविंग होता है, सब कुछ होता है, या अंदर पानी में जाकर चीज़ों को देखा जाता है, तो ये होता है, तो ये कैसे, तो ये यही होता है कि अगर ज़्यादा सैलिनिटी होगी, अगर ज़्यादा समुद्र पानी जैसे डेड सी, ठीक है, डेड सी का जो होता है सैलिनिटी सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेड सी में ही है, तो यहाँ पे बहुत नमक है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका वेजिटेशन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें भी आपको नुकसान करती हैं पौधे के लिए, तो वहाँ वेजिटेशन नहीं पाया जाएगा। लेवल ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिशन मतलब वहाँ पे अगर न्यूट्रिशन बह के जा रहे हो, ठीक है, रिवर देखिएगा आप, रिवर जहाँ पे समुद्र से मिलती है वहाँ सबसे ज़्यादा वेजिटेशन पाया जाता है, क्योंकि रिवर्स जो होती हैं वो आपके जो मिनरल्स होती हैं उसको बहा के ले जाती है वहाँ पे, ठीक है, इसलिए समुद्र के बीच में वेजिटेशन आपका ज़्यादा नहीं पाया जाता। वाटर का टेम्परेचर क्या है, वाटर का टेम्परेचर करीब 18 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर अगर होगा तो वहाँ पर वेजिटेशन नहीं होगा, ठीक है, इससे ऊपर अगर होगा तो वहाँ वेजिटेशन नहीं होगा, क्योंकि पौधों के लिए मिनिमम मतलब नॉर्मल टेम्परेचर ही चाहिए, इसलिए एल्गी एल्गी जो होती है 18 से 24 डिग्री टेम्परेचर के बीच होती है। डेप्थ ऑफ सनलाइट पेनिट्रेशन, वही सनलाइट अगर नहीं होगी तो अपना खाना कैसे बनाएंगे, क्योंकि एल्गी भी एक टाइप का पौधा ही माना जाता है ना, एल्गी भी एक टाइप का पौधा ही माना जाता है, तो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से ही बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे, तो वहाँ पे सनलाइट का पेनिट्रेशन होना चाहिए, तो यही चीज़ बोल रहा है कि यही एक्वेटिक जोन होते हैं जो इन पे डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद बात करें कि टाइप ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, वो हमने पढ़ लिया था जो कि आपका बायोम जो था वो हमने टेरेस्ट्रियल पढ़ा था, ठीक है, बायोम जो पढ़ा था हमने टेरेस्ट्रियल मतलब स्थली पढ़ा था, अब हम टाइप ऑफ एक्वेटिक मतलब पानी वाली चीज़ें पढ़ लें, तो इसमें आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एक तो हो गया, द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज क्लासिफाइड एज लोटिक मतलब मूविंग वाटर और लेंटिल मतलब स्टिल और स्टैग्नेंट वाटर। द लोटिक वाटर सिस्टम इंक्लूड फ्रेश वाटर स्ट्रीम स्प्रिंग्स रिव्यूलेट्स और क्रीक्स या ब्रुक्स जो होता है, ठीक है, मतलब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये आपके थोड़ा सा जो वर्ड है ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे ये सब, ठीक है, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ मैं कि ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है, फ्रेश जहाँ पे आपका हमेशा फ्रेश वाटर आता रहता है, कैसे, जैसे कि आपका वूलर लेक,
जो आपका हिमालयन साइड लेक पाई जाएंगे, ठीक है, हिमालयन साइड जहां पे आपका स्नो बहता हुआ आएगा या तो रिवर बहती हुई आएगी, तो वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है। उसमें दो टाइप का होता है, एक तो लोटिक होता है जिसमें मूविंग वाटर होता है, ठीक है, पानी बहता आता है, रुकता है, थोड़ा देर निकल जाता है। एक होता है लेंटिल, मतलब स्टैग्नेंट होता है, उसमें क्या होता है कि आपका स्नो जम जाती है, स्नो जो होते हैं मेल्ट हो जाती है, तो वो उस टाइप का एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बन जाता है। तो उसमें आपका फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स बन जाती है, स्प्रिंग्स बन जाती हैं जो आपका निकलती हैं, फवारे टाइप के निकलते हैं जमीन के अंदर से, आपको पता है स्ट्रीम्स जो आपकी नहर की स्ट्रीम्स होती हैं, आपका क्रिक्स जो होता है, थोड़ा सा क्रिक्स मतलब वाटर बॉडी होती है जो आपकी इसके अंदर, जैसे कि आपका ये लैंड है, लैंड के पास में जो पानी घुस जाता है उसी को क्रिक्स कहते हैं। इस तरह ब्रुक्स भी होता है एंड रिवर। लेंटिल वाटर बॉडी इंक्लूड्स पूल्स पॉन्ड्स, लेंटिल मतलब खड़ा हुआ, तो उसमें सब वैम बॉक्स एंड लेक्स जो होती हैं वो आपका रुकी हुई होती है। तो ये आप समझिए फ्रेश वाटर में दो टाइप का होता है, एक बहता हुआ पानी, एक रुका हुआ पानी। उसके बाद सेकेंड की अगर बात करें तो मरीन इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम मतलब नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय द ओशन विद एवरेज डेप्थ ऑफ 3750 मीटर एंड विद सैलिनिटी ऑफ 35 ppt, ठीक है, अबाउट 90% ऑफ विच इज सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये बोल रहा है कि 3/4 ऑफ द अर्थ जो है आपका 3/4 जो है वो आपका ओशन से कवर है, आपको पता है, ठीक है, कि 75% आपका पानी ही है जितना घिरा हुआ है। तो इसमें भी आपका 3750 मीटर सैलिनिटी करीब इतनी है और इतना है, तो उसको मरीन इकोसिस्टम बोल दिया गया, ठीक है, मरीन, मरीन मतलब पानी से रिलेटेड। उसके बाद बात करें एस्चुरी की, ठीक है, एस्चुरी और डेल्टा दो चीज होती है। एस्चुरी आपकी होती है कि जो आपकी डेल्टा में क्या होता है कि बहुत सारी ट्रिब्यूटरी आके मिल जाती है, और एस्चुरी में क्या होता है डेल्टा नहीं बनता है, वहाँ पे आपके ट्रिब्यूटरी मिलती है, डिस्ट्रीब्यूटरी टाइप बन जाती है ऐसे ऐसे करके, और अलग अलग जगह जाके मिल जाती है, ठीक है। तो मतलब डेल्टा में क्या होता है, बहुत सारी रिवर आके एक साथ मिलके फिर इधर चल जाती है, इसका अपोजिट ही लगभग एस्चुरी होता है अगर इसको इधर से हम देखें, ठीक है, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा गलत हो गया थोड़ा सा। डेल्टा होता है कि रिवर आया, इसकी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, ये डेल्टा बन गया। एस्चुरी में क्या होता है, इसके अपोजिट, बहुत सारी रिवर ऐसे 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 आके एक जगह पे मिल जाती हैं, कोई डेल्टा नहीं बनाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्चुरी टाइप कहते हैं। जैसे आपकी जो भी अरेबियन सी में जो रिवर गिरती है वो एस्चुरीज होती हैं। तो जैसे आपका कोस्टल बेस हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका कच्छ हो गया, ठीक है, कच्छ आप कच्छ का बे हमने पढ़ा, बे ऑफ कच्छ, तो कच्छ कोस्टल बे हो गया, रिवर माउथ्स हो गया, टाइडल मार्सेज हो गया फ्रॉम द एस्चुरी, इन एस्चुरी फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर मीट्स ओशन वाटर, फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर, ठीक है, वो ओशन में डायरेक्ट जाकर मिल जाता है, कोई वो आपका डेल्टा नहीं बनाता। टू आर मिक्स्ड बाय द एक्शन ऑफ टाइड्स, एस्चुरी आर हाईली प्रोडक्टिव कंपेयर टू द एडजेसेंट रिवर ऑफ सी, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ समझाने के लिए है कि आपको मरीन सिस्टम हो गया, एस्चुरी सिस्टम हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट बायोस्फीयर, ठीक है, जो लास्ट लेवल था उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था क्या, इंडिविजुअल, सबसे पहले इंडिविजुअल पढ़ लिया, पॉपुलेशन पढ़ लिया, कम्युनिटी पढ़ लिया, इकोसिस्टम पढ़ लिया, फिर बायोम पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में पढ़ेंगे, द बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, कोई भी अर्थ में वो जगह है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, सबसे बड़ा जो एरिया होता है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। द बायोस्फीयर रिप्रेजेंट ए हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरेक्टिंग जोन कंप्राइजिंग ऑफ एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ रहे थे कि बायोम जो होता था, बायोम हमने पढ़ा कि माफ कीजिएगा, बायोम हमने पढ़ा स्थली होता है हमेशा, बायोम हमने पढ़ा था स्थलीय, क्या पढ़ा था, स्थलीय, ठीक है। एक्वेटिक हमने पढ़ा जलीय, अब जलीय एक्वेटिक के और इन सब को अगर मिला दिया जाए तो आपका बायोस्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। तो बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ, जमीन का वह भाग जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। बायोस्फीयर नॉर्मली बनता है किससे, जहां पे आपका एटमोस्फियर हवा जहां मिल जाए, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी आपका मिल जाए, और लिथोस्फीयर लैंड आपका मिल जाए, मतलब हमारी एक धरती एक बायोस्फीयर कही जा सकती है, ठीक है, बायोस्फीयर कही जा सकती है। बायोस्फीयर को ही हमने डिवाइड कर दिया था किसमें, आपका आपका जो आपका लिथोस्फीयर कह सकते हैं, ठीक है, लिथोस्फीयर, और दूसरा आपका ठीक है एक्वेटिक सिस्टम में, दो में डिवाइड कर दिया था। तो बायोस्फीयर कह सकते हैं कि जहां पे तीनों चीज मिल गई, आपका एटमॉस्फेयर भी मिल गया, हाइड्रोस्फेयर भी मिल गया, लिथोस्फेयर भी मिल गया, उसी को हमने बायोस्फेयर कह दिया। इट इज ए नैरो लेयर अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, इफ वी विजुलाइज द अर्थ टू बी साइज ऑफ एन एप्पल, द बायोस्फेयर विड बी एज थिक एज इट स्किन, मतलब ये बोल रहा है कि देखिए आपका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है हम लोग उसी में रहते हैं ना, मेंटल और कोर पर, अर्थ तो पूरी गोल है,
कोर हो गया आपका, मेंटल हो गया। इसके बारे में अगर आपने पढ़ा मेरे वीडियो पे बहुत, मेरे चैनल पे बहुत बेहतरीन वीडियो है आपको कोर मेंटल और इसके बारे में, आपका लिथोस्फीयर के बारे में, उसको जाके जरूर पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम अभी बात नहीं कर रहे हैं उसकी, हम बात कर रहे हैं कोर हो गया मेंटल हो गया, लेकिन उसके ऊपर वाला जो पतला सा लेयर है, ठीक है, करीब 35 किलोमीटर का जहाँ तक हमको लगता है होना चाहिए, ठीक है, वो डिफरेंट करता है कि आप कहाँ से नाप रहे हैं। 5 से 10 किलोमीटर लिथोस्फीयर में ही होता है, और अगर पानी के अंदर से नाप रहे हैं तो 35 किलोमीटर लगभग होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर हम इसको एप्पल की तरह माने, एक सेब की तरह माने धरती को, तो सबसे ऊपर वाला छिलका जो होता है लाल कलर का ना, वही आपका सिर्फ होता है लिथोस्फीयर, उसी को हम बायोस्फीयर कह सकते हैं। सोचिए हम मतलब पूरा एप्पल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उतना ही हम ले रहे हैं, अगर पूरी धरती को देखा जाए 6400 किलोमीटर जहाँ तक मुझे लग रहा है होना चाहिए, 6400 किलोमीटर की रेडियस देखा जाए, मतलब डेप्थ देखा जाए, उसमें से हम, सही बात, हम सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर पर ही रह रहे हैं, तो उतना पतला छिलका ही हो गया। तो द बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल, द हाइजेस्ट माउंटेन्स एंड द डीपेस्ट ओशन आर सिंस एग्जिस्ट हॉस्टाइल कंडीशन, दे डू नॉट सपोर्ट लाइफ, ओकेजनली स्पोर्स ऑफ द फंगी एंड बैक्टीरिया डू ऑकर एट द ग्रेट हाइट बियॉन्ड 8000 मीटर, बट दे आर नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड हेंस रिप्रेजेंटेड ओनली डोरमेंट लाइफ। ये बोल रहा है कि बायोस्फीयर जो है आपका नॉर्थ और साउथ पोल पर जाके खत्म ही लगभग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी बात है ठंडा है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नॉर्मली नहीं करती है, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पर रह सकती हैं जो, लेकिन या हाईली माउंटेन जो होता है बहुत ऊंचा पहाड़ के ऊपर, कहाँ कोई रह पाता, नहीं रह पाता, तो उनको हम बायोस्फीयर में काउंट नहीं करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बायोस्फीयर, ओनली ए फ्यू ऑर्गेनिज्म लिव इन द पोलर रीजन, वाइल द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव एन एक्सट्रीमली रिच डायवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड। ये बोल रहा है कि माउंटेन्स के ऊपर जो होते हैं उसको, या पोलर रीजन में जो बायोस्फीयर कह होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लेकिन आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे कि आपको बताया जहाँ पे बारिश हमेशा होती रहती है, ठीक है, 10 महीने में करीब 8 या 7 महीना जहाँ पे बारिश हो 12 महीने में से, तो उसको एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपकी रिच डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है, जैसे रिच डाइवर्सिटी मतलब सबसे ज़्यादा जो आपके जानवर ऑर्गेनिज्म होंगे वहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बायोस्फीयर, आशा कर रहा हूँ समझ में आया होगा। तो हमने ये सब कंप्लीट कर लिया, जो टोटल 6 लेवल्स होते हैं, ठीक है, 6 लेवल्स जो होते हैं वो हमने ख़त्म कर लिए हैं एनवायरनमेंट में। जो आगे की वीडियो में हम कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जितना ज़रूरी चीज़ है उसको हम पढ़ा रहे हैं। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन के आंसर कीजिए, और जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट बोली उसको ध्यान से पढ़िए। तो आशा करो वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और हम पे विश्वास करके वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि MPPSC जिस तरह पैटर्न चेंज हो रहा है उसके क्वेश्चन अगर टफ भी हुए तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ईजी आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, टफ भी आएगा तो भी आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।